वहीं कांग्रेस दफ्तर में भी हलचल है। राहुल गांधी का मुखौटा लगाकर लोग पहुंच रहे हैं। संवाददाता जैनेन्द्र की ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता कुछ इस अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के मुखौटे पहनकर आए हैं पार्टी के कार्यकर्ता। एक बजे राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पार्टी मुख्यालय आने वाले हैं। जिस तरह से उन्हें सजा हुई मानहानि के मामले में और इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म की गई, कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, हमला कर रहे हैं केंद्र सरकार पर। और राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस दफ्तर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे होने लगे हैं और राहुल के मुखौटे पहनकर आए कार्यकर्ता जो है वो ध्यान खींच रहे हैं। बीवी श्रीनिवास, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये राहुल के मुखौटे पहनकर आप लोग आए हैं, क्या संदेश देना है? देखिए, वो राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, इस देश का लोकतंत्र को डिस्क्वालीफाई करने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी को संसद से बाहर किया है। ये गरीब, मजदूर, युवा, सभी वर्ग, सभी समाज का आवाज उठाने वाला नेता को अंदर कौन है? जो किस तरीके के आतंकवादी घोषित हुआ है, उनके आतंकवादी के नाम से जानता है, वो लोग अंदर है। ये इनका किस तरीके का ये है? जब तब भी जो पूरा बीजेपी का जो आरएसएस इनका सारे लोग गांधी जी के नाम से डरते थे, आज राहुल गांधी जी के नाम से सारे बीजेपी आरएसएस वाले खाप रहे हैं। जो किस तरीके के इन लोग ने म्यूट कर सकते हैं राहुल गांधी जी का वहाँ संसद में, बट देश में लाखों हजारों लोगों का दिल में राहुल गांधी है। जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता है ना, उन लोगों के लिए जो सड़क है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल में, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल में राहुल गांधी है। ये लोगों के दिल में, लोगों के तक कैसे? आपको आपको पता है, कल से लेके ये एक दिन में हमने आज किया कल किया खत्म नहीं करेंगे, ये लगातार जारी रहेगा। जो लोकसभा चुनाव तक यूथ कांग्रेस सड़क पे इनका आने वाले दिन में इनका बीजेपी का नेता एक बार घूम के दिखाए तो अब आपके चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे 2031 तक अगर उनको राहत नहीं है। कानून के तौर पे लड़ाई लड़ना और पॉलिटिकली भी लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे। इस तरीके का जो केस है, इन लोग ने प्लान करके 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने क्लियर अडानी का और मोदी का जो पर्दा ये कर दिया, तभी इन लोग ने राहुल गांधी जी के साथ 10-15 दिन के अंदर स्टे वेकेंड करने का काम किया। किस तरीके के फिर 27 तारीख को बुलाया, मीन इतने जल्दी में कहीं ना कहीं दोस्ती निभाने के लिए किस तरीके के व्यवहार किया है सारे लोग जानता है, देश का जनता को समझ। बीजेपी तो कह रही है कि कानून ने अपना काम किया। नहीं, तानाशाही सरकार कानून कैसे इन लोग ने चलाया है, जज चेंज करने का वो, किस तरीके का जो स्टे वेकेंट करने का वो, किस तरीके का जो 150 पेज जो गुजराती में लिखा है उसको लायर ट्रांसलेट करने में कम से कम एक दिन तो चाहिए, 24 आवर्स नहीं हुआ, इतना फास्ट ने इन लोग ने डिस्क्वालीफाई करना, इतना डर क्या है राहुल? यही बातें हैं कि सरकार राहुल गांधी से डरती है। ये संदेश कांग्रेस देशभर में देना चाहती है और कार्रवाई के बाद से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार आक्रोशित है और कुछ इस अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचेंगे और उसके पहले राहुल के मुखौटे के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर में जमा हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रविश पांडे के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली। तो दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर से आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।